नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन की। दोस्तों जो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है जो दोस्तों 40,000 रुपये से ऊपर आता है, और दोस्तों आज मैं आपके सामने इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बॉक्स में दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है, फ़ोन कैसा मिलता है, और दोस्तों फ़ोन के क्या क्या फीचर हैं, और दोस्तों ये फ़ोन मैंने कितने रुपये का ख़रीदा है। तो दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE जिसमें दोस्तों मेरे पास है इसका क्लाउड नेवी कलर, और दोस्तों मेरे पास इसका 8GB 120GB वाला वर्जन। दोस्तों इसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा होती है बॉक्स के ऊपर, बट जी मैंने कितने का लिया है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले दोस्तों मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसमें हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मिलता है ना ये फ़ोन, देखिए ये मेरे पास फ़ोन जिसको मैं साइड में रखता हूँ और आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मिलता है हमें एक चार्जर जो दोस्तों 15 वोल्ट का चार्जर है, ज़्यादा फास्ट चार्जर नहीं है, बट दोस्तों ये फ़ोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें मिलता है सिर्फ 15 वोल्ट का चार्जर। और दोस्तों जिस सिम एक्स्ट्रा भी ना किसी और बॉक्स की इसकी नहीं है। जी दोस्तों इसी डाटा केबल जो दोस्तों USB 2 USB Type-C के डाटा केबल है आप देखिए। और दोस्तों इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता, ना हमें ईयरफोन मिलते हैं और ना ही दोस्तों हमें कोई कनेक्टर मिलता है और ना ही दोस्तों हमें कोई बैक केस मिलता है। तो इन्हें मैं साइड में रखता हूँ। अब जी है दोस्तों मेन फ़ोन, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंड हैंड लिया है मैंने। तो दोस्तों देखिए मेरे पास इसका क्लाउड नेवी कलर है, और दोस्तों ये ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, सिर्फ 2 महीने पुराना फ़ोन है जिसको मैंने सेकेंड हैंड लिया है। इसको दोस्तों ग्लास भी लगा हुआ है, मैं लगवा लिया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी की हाईलाइट की बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 212 MP का, सेकेंड कैमरा 212 MP का है, और तीसरा कैमरा दोस्तों 8 MP का है। ये दोस्तों प्लेस है इसकी, और फ्रंट में दोस्तों हमें मिलता है 32 MP का सेल्फी कैमरा। इसकी डिस्प्ले की साइज़ की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है यहाँ से लेके 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों ये भले ही फ्लैगशिप फ़ोन है बट इसके अंदर हमें दोस्तों डायनामिक जो डिस्प्ले आती है सैमसंग की एस सीरीज में वो नहीं मिलती, इसमें दोस्तों हमें सिर्फ फुल HD मिलती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें दोस्तों 2K डिस्प्ले नहीं मिलती, सिर्फ फुल HD डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों इसमें आप पोर्ट्स की बात करूँ तो दोस्तों ऊपर आपको इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया हुआ है, नीचे दोस्तों आपको स्पीकर दिया है, ये टाइप सी वाला दोस्तों चार्जिंग वाला पोर्ट दिया है, और यहाँ पर दोस्तों ये माइक दिया है। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो 3.5 mm का जो गड्ढा होता है, जो जैक होता है, वो दोस्तों इसके अंदर नहीं है। दोस्तों अगर आपको ईयरफोन चाहिए, ईयरफोन यूज़ करना है, तो दोस्तों आपको पहले एक कनेक्टर लेना होगा USB 2 3.5 mm जैक, USB Type-C वाला कनेक्टर लेना होगा। उसके अंदर दोस्तों आप अपने ईयरफोन को यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें 3.5 mm का जो जैक होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके और बाकी पर बात करूँ तो दोस्तों इसमें हमें ऊपर सिम ट्रे मिलती है, जिसमें दोस्तों हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, या तो दोस्तों आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, आप इसमें ट्रिपल स्लॉट नहीं लगा सकते। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो हमें दोस्तों मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। साइड में इसके दोस्तों ये पावर के बटन है, ऊपर दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन बटन है, जो दोस्तों एक ही बटन है, अलग अलग नहीं है। कैमरे का बम दोस्तों ज़्यादा भार नहीं है, थोड़ा सा ही भार है, बट दोस्तों जब आप इसके ऊपर कोई कवर यूज करते हो मार्केट से लेके तो दोस्तों ये एकदम से दोस्तों फिट हो जाता है कवर के अंदर, ऐसा नहीं है कि कवर से ही बाहर निकलता है, तो दोस्तों इसमें इसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो अच्छी बात है। इसकी डिस्प्ले में दोस्तों हमें कोरनेन गोरिल्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और दोस्तों इस फ़ोन की अच्छी बात यह है कि ये दोस्तों वाटर प्रूफ है, अगर आप इसे बॉर्डर के अंदर भी यूज करते हो तो दोस्तों 30 मिनट तक दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आधे घंटे तक, ऐसा कंपनी का क्लेम है। बट दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप पानी के अंदर इसे ज़्यादा यूज ना करें, अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप 2-3 मिनट तक यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा देर तक यूज ना करें क्योंकि दोस्तों ज़्यादा देर यूज करने से आपके फ़ोन में कोई दिक्कत भी आ सकती है।
और दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा गैजेट है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप इस फ़ोन से भी उस अपने दूसरे फ़ोन को या किसी और आइटम को चार्ज कर सकते हो अगर उसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है तो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अब दोस्तों इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो कि दोस्तों आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी। और दोस्तों ये सपोर्ट करता है 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को, बट आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ 15 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आप मार्केट से खरीद सकते हो, इससे आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको ऑन तो पहले चाहिए, अब मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह दिखाता हूँ। दोस्तों इसका जो बेसन लॉक है, जो दोस्तों जो इसका स्क्रीन लॉक है दोस्तों पैटर्न वाला फिंगरप्रिंट वाला, ये दोस्तों काफ़ी फास्ट है, अभी आपने देखा होगा। दोस्तों इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। इसमें दोस्तों हमें इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें मिलता है एक्जिनोस का 990 का प्रोसेसर, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट जब आप ज़्यादा गेमिंग करते हो हैवी वाली, तब दोस्तों आपको थोड़े बहुत लैगिंग देखने को मिल सकती है लास्ट में, क्योंकि भले ही दोस्तों कितना ही अच्छा प्रोसेसर हो बट है तो एक्जिनोस का, स्नैपड्रैगन का नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्जिनोस के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों वो काफ़ी टाइम गेमिंग करने पर, दोस्तों ज़्यादा गेमिंग करने पर वो लैगिंग करने लग जाते हैं और फ़ोन थोड़ा हीट भी हो जाता है इस साइड से यहाँ से, क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेसर होते हैं एक्जिनोस के वो इतने पावरफुल नहीं होते स्नैपड्रैगन के कंपेरिजन में। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा हैवी गेमर हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फ़ोन ज़्यादा गेमिंग करने पर हल्की फुल्की लैगिंग करता है और थोड़ा हीट भी हो जाता है, क्योंकि ये फ़ोन की दिक्कत नहीं है, ये दोस्तों प्रोसेसर जो है एक्जिनोस का उसकी दिक्कत है। कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसका कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है, ये देखो बिल्कुल भी दोस्तों लैगिंग नहीं हो रहा, मैं मूव कर रहा हूँ ज़रा तो ये देखो। और दोस्तों मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ जो भाई मैंने खींचा है, तो ये देखिए लाइट पड़ रही है, रोशनी इस वजह से ऐसा लग रहा है, ये देखो दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका, ये सेल्फी कैमरा मैंने सेल्फी ली थी। दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, और दोस्तों इसके अंदर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से। और दोस्तों इसमें आपको बोके इफेक्ट वाली वीडियो भी देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें कैमरे के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, आप इसमें भर भर के कैमरा के दोस्तों जो फीचर होते हैं उनको यूज कर सकते हो। दोस्तों ये वाटर प्रूफ भी फ़ोन है, आपको पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। बैटरी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसकी। और दोस्तों इसके अंदर आप जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मिलता है दोस्तों सैमसंग UI 3.1, जिसके अंदर दोस्तों आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अंदर हमें गूगल का डायलर नहीं मिलता, तो दोस्तों एक अच्छी बात है। अब दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, इस अनबॉक्सिंग में, कि आपको इस फ़ोन में क्या क्या देखने मिलता है। और दोस्तों इसके बैक पैनल की बात करें, क्योंकि दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन है ये, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो बैक पैनल है दोस्तों ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली प्लास्टिक है, जो देख रहे हो दोस्तों ग्लास जैसी लगती है, बट है दोस्तों प्लास्टिक तो ग्लास नहीं है। बट दोस्तों मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लास है प्लास्टिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं दोस्तों वो कवर ला के यूज करते हैं, तो ग्लास भी होता है चाहे कवर होता है, वो दोस्तों कवर के अंदर हमें दिखता ही नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी प्राइस की। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये एकदम न्यू फ़ोन नहीं है, आपने अनबॉक्सिंग में देख लिया होगा। तो दोस्तों ये फ़ोन मैंने OLX से ख़रीदा है, एक बंदे से, जो कि दोस्तों मैंने ख़रीदा है 30,000 रुपये का। दोस्तों 30,000 रुपये में मुझे सिर्फ 2 महीने चला हुआ फ़ोन मिला था, जिसमें दोस्तों मुझे सब कुछ मिला है फ़ोन के अंदर, जो हमें एक बॉक्स के अंदर मिलता है। दोस्तों अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए सेकंड हैंड तो आप OLX पर सर्च कर सकते हो, OLX पर दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे डील मिल जाती हैं। और दोस्तों अगर आपको S20 AP नया फ़ोन चाहिए तो आप उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।